मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। बोलो कहाँ जाना चाहती हो तुम? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, होनोलुलु, मायामी, एनीवेयर। मैं तुम्हें इतनी दूर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी और तुम्हारे अलावा हमें पहचानने वाली कोई आवाज ना हो। ऊटी साहब जी, आगे रास्ता बंद है, 5-6 घंटा लगेगा ट्रैफिक साफ होने में। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। शुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी उसे तो सबको ये लगता ना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों? अभी हमें तमिलनाडु के ऊटी में, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है राजीव चौक। मैं बस को देख रहा था, मैंने क्या कहीं हम जिस बस में जाने वाले हैं पाइन बुलेट वही बस तो नहीं है, लेकिन इसका नंबर दूसरा है, वो भी 5-10 मिनट में आए भाई, 5-10 मिनट में आएगी। मैं अभी अपनी खुद की भाषा पर गया था, आवेगी तो राजीव चौक है। राजीव चौक के जस्ट पास में इधर पीछे ये है रेलवे स्टेशन जहाँ पे फ्लैग लगा है। पिछली लास्ट वीडियो मैंने आपको खाली फ्लैग दिखाया था, और इधर यहाँ पे ये है बस स्टैंड। बस स्टैंड आपने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया होगा, और अभी मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। मास्क लगा लेता हूँ, क्या पता कोई पंगा हो जाए। दोस्तों ये है ऊटी का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है 1908, इधर लिखा हुआ है 2008, लिखा हुआ है नीलगिरी माउंटेन रेलवे सेंचुरी सेलिब्रेशन, मतलब इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं ऐसा लिखा हुआ है 1908 से 2008। मुझे बहुत जल्दी है कहीं बस ना आ जाए। अगर आपको बोर्ड दिख रहा हो तो वहाँ पे देखिए लिख रहा है उड़गमंडलम, ऊटी का पूरा नाम उड़गमंडलम है। और अब मैं फटाफट से बस देखता हूँ, ये ऊटी का खूबसूरत नज़ारा, ये राजीव चौक। अभी हम बस पकड़ते हैं। अभी हम पाइन फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, 20 रुपये का टिकट मिलता है एक पर्सन का, तो टिकट लेके अंदर चलते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है, लाओ टिकट दिखाओ टिकट, अरे यहीं रखो, बस बस बस, ब्लर हो रहा कैमरा बहुत ज़्यादा। ये है 2 लोगों का 40 रुपये का टिकट। दोस्तों यहाँ से अभी हम एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पे भी द्वार बना हुआ है, देखिए इधर रेलिंग लगी है और इधर ही रेलिंग लगी है लोहे की, और ट्रैप लगा हुआ है जिससे कोई अंदर ना जा पाए बिना टिकट के। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप पाइन फॉरेस्ट, और ये सीढ़ियाँ हैं, चलिए अंदर चलते हैं। नीचे उतरने के लिए बहुत शानदार सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। ये पूरा नज़ारा पाइन फॉरेस्ट का, इधर देखिए पेड़ देखिए कितने लंबे हैं, यहाँ पे बहुत शानदार नज़ारा। दोस्तों अगर मूवी शूटिंग लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलीवुड की हज़ारों फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीवुड के रोमांटिक सीन और रोमांटिक जो सॉन्ग होते थे 90s के ज़माने के, वो यहीं पे फिल्माए जाते थे, और अभी भी काफ़ी सारी फिल्में यहाँ पे शूट होती हैं और रोमांटिक गाने यहाँ पे ज़्यादा शूट होते हैं। यहाँ पर जिस फिल्म की आज मैं शूटिंग लोकेशन आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है राज, जो 2002 में आई थी।
वैसे तो इसे ये जंगल को बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया, लेकिन राज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे सतंदर भाई राज फिल्म का वो जंगल दिखाइए जो भूतिया जंगल होता है, तो राज फिल्म का यही है भूतिया जंगल। इसी जंगल में आधी से ज़्यादा फिल्म शूट हुई है और इसके साथ में यहाँ पे साजन फिल्म के भी कुछ सीन लिए गए हैं क्योंकि साजन फिल्म जो है पूरी ऊटी में शूट हुई है। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कुछ सीन दिखाए थे कन्नूर के चाय के बागानों के, और इसमें सोलार सपना मूवी की शूटिंग भी हुई है। सोलार सपना मूवी भी इसमें काफ़ी शूट हुई है, जब गोविंदा दिव्या भारती को लेकर आते हैं गाड़ी से तो इसी जंगल में आते हैं वो, आप स्क्रीन शॉट में देख लीजिएगा नज़ारे, तो इसी जंगल में आते हैं लेकर यहीं पर फिर गाना शूट होता है। गाने के भी काफ़ी सीन है और यहाँ पर लड़ाई भी होती है फिल्म में। ऋषि कपूर और दिव्या भारती का गाना है तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं, तो उस गाने के भी कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए थे। चलिए बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया आज मैंने, अब आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। और पाइन फॉरेस्ट के ख़त्म होते जस्ट बाद वहाँ पर भाई साहब क्या झील है पानी की, एकदम मस्त नज़ारा है। चलिए वीडियो के एंड में मिलते हैं, पूरा जंगल दिखा देता हूँ आज मैं आपको। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं मेन गेट से, चलिए मैं आपको यहाँ से एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का सीन दिखाया गया था दीवाना फिल्म में, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। इधर देखिएगा यहाँ पे कुछ पता नहीं मिट्टी का ढेर पड़ा है शायद, और इधर देखिएगा वहाँ पर आप देखिएगा चार पेड़ हैं उनको काट दिया है तो वहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं। इधर भी कुछ पेड़ हैं जिनको काट दिया गया है और उनके यहाँ पे टेबल बना दिए बैठने के लिए, कुर्सी टेबल जो भी है। इधर से देखिए भैया पूरी की पूरी पार्टी आ रही है घूम के। हाँ उधर आपको अभी शायद नहीं दिख रही होगी सामने झील है पानी की, आपको एक बार मैं पेड़ दिखा देता हूँ पूरा है पेड़ किस प्रकार का है। ये देखिए पेड़ ऊपर लाइट कम हो गई, ये देखिए जहाँ तक मेरा विचार है मुझे ये फ्रास के पेड़ लग रहे हैं। हमारे गांव में एक पेड़ था काफ़ी पहले तो उसमें ऐसा ही कुछ आता था, लेकिन वो लंबा नहीं था इतना, वो फैला हुआ था और ये बहुत लंबे हैं और उनमें फ्रास की जो पत्तियां होती है उसी प्रकार की पत्तियां हैं, तो मुझे ऐसा ही लगा शायद ये फ्रास का पेड़ हो सकता है, लेकिन ये फ्रास का पेड़ है नहीं। दोस्तों अविन भाई कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये देवदार का है, ठीक है मैंने इनकी बात भी मान ली कि सही बता रहे होंगे, लेकिन यहाँ के एक लोकल बंदे से मैंने पूछा भाई ये स्ट्री का क्या नाम है, मैंने उनसे उनको समझ में तो आई नहीं हिंदी, मैंने पूछा दिस ट्री नेम व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्री, मैंने ऐसे करके पूछा था, इंग्लिश मुझे नहीं आती बहुत कम आती है, तो उन्होंने बताया इस ट्री का नाम बोले पाइन ट्री। मैंने कहा पाइन ट्री हो भी सकता है इसीलिए इसको पाइन फॉरेस्ट बोलते होंगे। अब कैसे बोल दिया लेकिन इन्हें बताओ एक चीज और है ना, तुमने देखा होगा हम लोग जब उत्तराखंड गए थे तो ऐसे लंबे लंबे पेड़ वहाँ पे मिले। हाँ उत्तराखंड में ऐसे ही पेड़ थे भाई, वो देवदार के पेड़ थे वहाँ पे पक्का पक्का, और वो पाइन के हुए तो क्या कर लोगे वो वाले, नहीं 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 मतलब क्या कर लोगे तुम, या फिर देवदार को इंग्लिश में पाइन बोलते होंगे भाई, इतना पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है। लो भाई देख लेंगे अभी सर्च करके, वो कहावत सुनिए ना आपने चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही कहावत होगी भैया ये भी ऐसे हम भी ऐसे ही, तो ये है पाइन ट्री। आप कमेंट करके बता देना देवदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैसे हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं लेकिन क्या है कि इधर नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, हम घर पे जाएंगे तो सर्च जरूर करेंगे देवदार के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और बताऊँ मैं आपको ये लोग अगर आप लोग उत्तराखंड जाते होंगे तो उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब इसी टाइप का फूल आता है लेकिन वो बड़ा होता है। अच्छा ये फूल है क्या फल है? हाँ ये फूल होता है। अरे मैं फल जान रहा था इसको भाई, आपने लोगों ने देखा होगा लकड़ी का एक फल वहाँ पे मिलता है तो वो जो तो फल क्या होता है इसमें, इसमें फल क्या निकलता है भाई? फल कुछ नहीं। अच्छा एक बात है उत्तराखंड में जो पेड़ है ना देवदार के पेड़ जो बता रहे तो उनमें तेल निकलता है, जैसे उसको पेड़ को ऐसे काट दिया तो उसमें तेल निकलता है ना? वो तो काट के नहीं देखा मैंने आज तक। अरे यार तुम्हें तो बता रहे थे उसको कुछ तेल निकलता है ऐसे, अगर इसको नीचे ड्रम लगा देते हैं पेड़ के नीचे और यहाँ पे जैसे कट मार दे पेड़ में और उसमें से तेल निकलता है। नहीं बताया, गलत बता रहे हो। नहीं तो मुझे किसी ने बताया था शायद, बताया होगा किसी ने, ये बात मानते हैं। दोस्तों आप जो ये लकड़ी का फूल देख रहे हैं इस प्रकार के फूल को राज फिल्म में दिखाया गया है, जब बिपाशा बसु जंगल में आते हैं रात्रि को तो उसमें आप देखिएगा ध्यान से स्क्रीन शॉट में देखिएगा आप, काफ़ी सारे फूलों का नज़ारा दिखाया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं इसी प्रकार के काफ़ी फूल पड़े हैं नीचे, तो इसी प्रकार के फूल हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा पेड़ जो हैं बिल्कुल एक लाइन से लगे हैं इधर और इधर, बीच में खाली जगह है। तो इसी ऐसी जगहों पर ही फिल्मों के अधिकतर सीन लिए जाते थे। 16 और सपनम में यहीं से गाड़ी निकल के आती है ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कन्फर्म कि ये वही जगह है, लेकिन ऐसी ही जगह पर फिल्माया गया था सीन। और राज फिल्म में भी ऐसी ही जगह दिखाई गई थी। देखिए इधर साइड में भी इसी प्रकार के पेड़ लगे हैं बिल्कुल सीधे, और इधर भी सीधे लगे हैं। और बाकी ये पूरा फॉरेस्ट आप देख रहे हैं। और अब शायद आपको इधर पानी दिख रहा होगा, इधर ये पानी की झील है। हॉर्स राइडिंग भी कर सकते थे कि इधर घोड़े का बच्चा है, इधर घोड़ा है। यहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हो घोड़े के ऊपर बैठकर, और पीछे का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये मशीन लगी है, तुरंत फ़ोटो निकाल देते हैं। और इधर देखिए आप अब नज़ारा, पाइन फॉरेस्ट के जस्ट पास का नज़ारा है ये। पानी की झील देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, पानी कर रहा है झिलमिल 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 झिलमिल, और नज़ारा बन रहा बहुत गजब का। देखिए इधर से आ रहा नज़ारा सही, घोड़े का बच्चा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके नज़दीक नहीं जाऊंगा, क्या पता कहीं बात भारी पड़ जाए भाई। एक बच्चा यहाँ है घोड़े का, एक इधर खड़ा है। हाँ अब दिख रहा है इधर, इधर क्या है कि थोड़ी छाया हो गई है इसलिए दिक्कत है। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं कितना गजब का नज़ारा है फॉरेस्ट का। अगर आपको सर्दी लगी है तो यहाँ पर राख है, यहाँ पर आँच जलाकर आप बैठ सकते हैं, क्योंकि सर्दी लग भी सकती है, इधर पानी ही पानी है तो ठंड का माहौल बन सकता है भाई। इस पे चलने का कुछ ट्राई करते हैं, सही है ना? अरे भाई अब ना चला जाए। इधर आपको बंदरों का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा बंदरों से दूर ही रहता हूँ क्योंकि मोबाइल छीन लेते हैं कभी कभी, तो दिक्कत हो जाती है। इधर देखिए नज़ारा, ये क्या करने वाले हैं, इनका कुछ ना कुछ विचार है, कुछ करेंगे ये, क्या करने वाले भाई, क्या बात है। इधर आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं झील का। इधर देखिए शाम का वक्त अभी करीब 2:30 बजने वाले हैं, तो इधर धूप है, और वहाँ देखिए आप, देखिए कितना प्यारा नज़ारा बन रहा है। तो जहाँ तक लगता है शायद मैं पूरा पाइन फॉरेस्ट आपको दिखा चुका हूँ, कुछ जो जगह बची हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए आगे चल के देखता हूँ, पूरा चप्पा चप्पा दिखा देता हूँ कौन सा चप्पा बचा है। दोस्तों इधर का पूरा नज़ारा हम देख चुके हैं, अभी हम इधर से थोड़ा साइड में चलते हैं। देखिए घूम करके इधर आते हैं, यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है उधर जाने का। उधर मुझे काफ़ी अच्छे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ में उधर लोन दिखाई दे रहा है, तो वो देखते हैं वहाँ पर कुछ सीन है क्या। हॉर्स राइडिंग जो होती है तो वो इधर ही घुमाने के लिए लाते हैं, इधर एक दो राउंड लगा दिए बस। इनका यहाँ पे चार्ज है 150 यानी कि 150 रुपये। अभी इधर हम लास्ट में आ चुके हैं, देखिए उधर देखना पड़ेगा लास्ट में उधर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, इधर देखिए, ये शायद भूतिया रास्ता है, जो राज फिल्म में भूतिया रास्ता दिखाया गया था, शायद उधर ही ये निकल रहा है रास्ता। देखते हैं आगे चल के। दोस्तों आप पेड़ देख रहे हैं, इस प्रकार का पेड़ आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा जिस पर पत्तियाँ होती नहीं हैं, पूरा पेड़ सूखा हुआ होता है, तो ये पेड़ उसी कैटेगरी में से है शायद। और यहाँ पर शायद मुझे एंड करना पड़ेगा, आगे नहीं जाएंगे। ये इधर नदी आप देख रहे हैं, इधर से होके निकल रही है, इधर पता नहीं कहाँ जाके निकलेगी, ये मालूम नहीं है मुझे। और इधर भी देखिए इसी प्रकार के पेड़ लगे हैं, पूरा नज़ारा। दोस्तों आप इस पेड़ की पत्तियों को देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये किस चीज़ का पेड़ होगा, ये पाइन का पेड़ है या फिर फ्रास का पेड़ है, देवदार का है, कौन सी कैटेगरी का पेड़ है ये। जहाँ तक मेरा विचार, मुझे फ्रास का पेड़ लग रहा है, क्योंकि फ्रास का ही पेड़ दिखा है मैंने ऐसा, हमारे गांव में था एक फ्रास का पेड़, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। दोस्तों अभी मुझे एक और फल मिला है लकड़ी का, तो ये बिल्कुल केले की तरह आता है इसका फल, ये आप देखिए। और राज फिल्म में भी आपने देखा होगा नीचे बहुत सारे ज़मीन पड़े होते हैं, मैं समझा कि बिल्कुल अलग अलग आते हैं, लेकिन ये लकड़ी में एक ही जगह पर लगे होते हैं केले की तरह। वो बहुत ही गजब का फूल है, देखिए लकड़ी का फूल भी हम पहली बार देख रहे हैं। इधर से देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है, शानदार नज़ारा आ रहा है ना इधर से। अरे वाह, अरे धूप कछु ज़्यादा ही ना है रही का, आए कछु करंदे ही ना है, वीडियो ही ना बना दे रही। दोस्तों पाइन फॉरेस्ट में हमने बहुत सारे पेड़ देखे, पूरा फॉरेस्ट देख लिया, लेकिन ये पेड़ आप देखिए, ये पेड़ मुझे लगता है पूरे पाइन फॉरेस्ट में सबसे बड़ा पेड़ है। इसकी आप देखिए लंबाई चौड़ाई, ये काफ़ी लंबा है और इसकी ये विड्थ भी बहुत ज़्यादा है और पेड़ों की बजाय, तो मुझे लगता है जहाँ तक और जो पेड़ हैं ये बहुत नज़दीक नज़दीक लगाएँ, इसके वजह से ये पूरी तरह से चारों तरफ में फैल नहीं पाए और ऊपर के ऊपर तक बढ़ते गए। और ये जो पेड़ है इसके आसपास कोई पेड़ है नहीं दूसरा, इसलिए ये पेड़ सबसे बड़ा है यहाँ पे और सबसे चौड़ा भी है। ओ भाई वीडियो वीडियो हलामत वीडियो ये हम ओ वीडियो ना ले भाई, सब मैं जा बैठो पर का वीडियो ले तो के ना ले, अब चल ले सही। हां ये मेरा घोड़ा घोड़ा टुकड़ 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 टुकड़, ओ बेटे बेटे करने चल गया बेटे, तम जा बेटा तम जा, ठीक गिरे गिरे आप। हां ये भाई ना ओ बेटे हलाओ बस। दोस्तों पाइन फॉरेस्ट का पूरा नज़ारा आप देख चुके हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं, शाम के 4 बज चुके हैं, एक घंटा हमें यहाँ पे लग गया है वीडियो शूट करने में, और थोड़ी बहुत मौज मस्ती की है, चढ़ाई है भाई बहुत ज़बरदस्त, चढ़ाई पे चढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आज मेरा इसका ना स्टैंड टूट गया ऊपर का जो लगाते हैं उस मोबाइल, इसलिए इसको ऐसे ही लेके घूमना पड़ रहा है।